दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2023-24 के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग भी यूपी के किसी भी कॉलेज में 9th और 10th की पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग भी अपना स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, उन डॉक्यूमेंट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको भी स्कॉलरशिप आसानी से मिल सके, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे, पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2023-24 के अंतर्गत 9th और 10th क्लास के एक फ्रेश फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के अंतर्गत 9th और 10th के अगर आप लोग भी स्टूडेंट हैं और आप लोग भी अपने फॉर्म को आसानी से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहां पर आना होगा हमारी वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आने के बाद मैंने पूरा आर्टिकल यहां पर लिख रखा है, जैसा कि इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, एप्लीकेशन फी की इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में, और साथ में यहां पर पूरी वेबसाइट का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो आप लोगों को बता दें 9th और 10th के स्कॉलरशिप के जो आवेदन है वो यहाँ पर 15/9/2023 से स्टार्ट कर दिए थे। इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 10/11/2023 रखी गई है। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद कंप्लीट फॉर्म करने की जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर 10/11/2023 रखी गई है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इसकी हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में सबमिट करनी है, जिसकी लास्ट डेट 20/11/2023 रखी गई है। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप लोग भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग भी 9th या फिर 10th क्लास के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास लास्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। इस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपका एक ही स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगेगा, और साथ में आपके जो आधार कार्ड पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी लास्ट ईयर मार्कशीट से मैच होना चाहिए। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों आपके पास एक खुद का सिंगल अकाउंट होना चाहिए बैंक का। आप लोगों को बता दें, बैंक अकाउंट में आपका नाम आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, साथ ही में आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक होना अनिवार्य है। इसका आपको यहां पर ध्यान रखना है। साथ में अगर आप लोगों ने भी जिस भी कॉलेज में 9th या फिर हाई स्कूल में एक नया या फिर रिन्यूअल एडमिशन लिया है तो आपके पास फीस की रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास फैमिली में राशन कार्ड है तो आप लोग यहाँ पर राशन कार्ड लगा सकते हैं, अन्यथा राशन कार्ड की आपको आवश्यकता नहीं है। साथ में दोस्तों आपने जिस भी कॉलेज में एक नया एडमिशन लिया है उस कॉलेज से आपको आई कार्ड मिला होगा तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। साथ में दोस्तों आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट फादर का यहां पर लगेगा, अगर आपके फादर हैं तो आप लोग फादर का लगाइएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकम सर्टिफिकेट में अगर आप लोग जनरल ओबीसी से हैं तो 2 लाख रुपए तक की आप लोग इनकम लगा सकते हैं। अगर आप लोग एससी एसटी से हैं तो आप लोग 2.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग भी ओबीसी एससी एसटी से हैं तो दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके 3 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अगर आपके इससे ज्यादा पुराने हैं या फिर अभी तक आपके बने नहीं है तो आप लोगों को किस प्रकार से आवेदन करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है आय जाति मूल्यवास के लिए, इस पर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखी, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो जाके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। साथ में आप लोगों को यहां पर ये सारी डिटेल तो मैंने बता दी। अब बात करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। डायरेक्टली यहां पर आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हम आ चुके हैं यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट के माध्यम से हम अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको स्टूडेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले नंबर पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग भी 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और आप लोग भी अपना एक नया फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको यहां पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आना होगा, और यहां पर आने के बाद डायरेक्टली आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहां पर काफी
बारीकी से समझना है ताकि आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपको कई सारे लिंक देखने को मिल रहे हैं और कई सारे बॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बारे में जानना और समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो मैं बता दूं आगे आप लोग फॉर्म में गलती कर देंगे, इसलिए आपको ये डिटेल आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसमें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा एससी एसटी और जनरल के हिंदू स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन करेंगे। आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, जिसमें यहाँ पर एससी एसटी और जनरल के स्टूडेंट इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके अपने आवेदन को करेंगे। लेकिन इसमें भी आपको कई सारे लिंक देखने को मिल रहे हैं, इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों को दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पिछला वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा है फॉर ओबीसी कैटेगरी फ्रेश। आप लोगों को बता दें जो भी ओबीसी के हिंदू स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ से आवेदन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन और देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है लास्ट में, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, इसमें लिखा है फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी फ्रेश। अब काफी स्टूडेंट ये हैं कि जो कि जानते नहीं है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, वो आप लोगों को बता दें माइनॉरिटी कैटेगरी में यहाँ पर जो आते हैं जैसा कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन धर्म है, फरारसी है, ये सारे स्टूडेंट चाहे आप लोग छात्र हों या फिर छात्रा हों, चाहे आप लोग जनरल से हों, चाहे आप लोग ओबीसी से हों, सारे स्टूडेंट यहाँ पर माइनॉरिटी कैटेगरी में आवेदन करेंगे। माइनॉरिटी में केवल यहाँ पर मुस्लिम सिख ईसाई जैन धर्म के सारे स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन करेंगे। बाकी आप लोगों को बता दें अब आपने ये बॉक्स के बारे में तो जान लिया, अब इन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं इनके बारे में भी आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक में आप लोगों को बता दें नाइन्थ और टेंथ के स्टूडेंट नया आवेदन यहां पर करेंगे। अगर आपने यहां पर नाइन्थ में अपने फॉर्म को अप्लाई किया था तो आप लोगों को यहां पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्टली अपना रिन्यूअल कीजिएगा। लेकिन अगर आपने नाइन्थ में अप्लाई नहीं किया है और आप लोग भी अपना टेंथ में फ्रेश फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर प्री मैट्रिक फ्रेश वाले पे क्लिक करके अपना आवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्री मैट्रिक का मतलब आप लोगों को जानना तो काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन इन बॉक्स के बारे में भी आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जो भी यहाँ पे प्री मैट्रिक के स्टूडेंट है जो यहाँ पर एससी एसटी जनरल के हैं वो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके आवेदन करेंगे। बाकी ओबीसी के स्टूडेंट यहाँ पर प्री मैट्रिक इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आवेदन करेंगे और बाकी माइनॉरिटी कैटेगरी के यहाँ पर प्री मैट्रिक इस वाले लिंक पर क्लिक करके आवेदन करेंगे। तीनों लिंक में जो आवेदन करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं है, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। दूसरा लिंक के बारे में आपको बता दूं, यहां पे लिखा है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश, इसका मतलब होता है फर्स्ट ईयर और इंटर के फ्रेश स्टूडेंट दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना आवेदन करेंगे। ये भी आपको यहां पर तीनों में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, इसमें आता है यूजी पीजी टेक्निकल डिप्लोमा मेडिकल डिप्लोमा ऑल स्टूडेंट जो भी यूजी पीजी टेक्निकल डिप्लोमा कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें ये बॉक्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये तीनों लिंक यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा यहां पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा जिसमें आपको एससी एसटी जनरल के देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको यहां पर देखने को मिल रहा है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट फ्रेश। आपको लोगों को यहाँ पर बता दें अगर आप लोग यूपी के स्टूडेंट हैं और आप लोगों का भी डोमोसाइल यूपी का है और आप लोग किसी अदर स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं जैसा कि बिहार महाराष्ट्र दिल्ली, तो आप लोग यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त आपकी ये है कि आप लोगों का यूपी का डोमोसाइल होना अनिवार्य है। तो आप लोग यहाँ पे थर्ड फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आवेदन करेंगे। ये वाला आवेदन केवल यहाँ पर एससी एसटी और जनरल के स्टूडेंट ही यहाँ पर कर पाएंगे, इसके अलावा किसी अदर कैटेगरी पे ये लागू यहाँ पर नहीं होता है। तो फाइनली अब बात करेंगे यहाँ पर नाइन्थ और टेंथ के स्टूडेंट अपने आवेदन यहाँ पर क्लिक करके करेंगे, तो हम यहाँ पर इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। बाकी अगर आप लोग ओबीसी
बीसी से हैं तो इस वाले पे क्लिक कीजिएगा, मैनोटरी से हैं तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे प्री मैट्रिक ओपन करते हैं। प्री मैट्रिक ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, जैसा कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है, यहाँ पे संस्था सिलेक्ट करनी है, जाति सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपना धर्म सिलेक्ट करना है, अपना फुल नेम लिखना है जैसा कि हमारी मार्कशीट और आधार कार्ड पर होना चाहिए, साथ में मोबाइल नंबर। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कीजिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक स्कॉलरशिप फॉर्म पर एक ही मोबाइल नंबर लग पाएगा, इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और कैप्चा फिलअप करना है, जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको पासवर्ड का भी डेमो यहाँ पर दिखा देता हूँ। पासवर्ड में अपना नाम रखिएगा, पहला अक्षर कैपिटल, इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लगाइएगा और 123 डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। या फिर आप लोग चाहें तो ये वाला भी पासवर्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमने जो मोबाइल नंबर को फिलअप किया था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया है जो कि 5 अंकों का होगा, उसे हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और सबमिट ओटीपी एंड प्रोसेस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिला है रिसेंड का, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट रीलोड लेगी और आपके मोबाइल नंबर पे फिर से ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। हालांकि मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है, मैं यहाँ पे ओटीपी डालूंगा, कैप्चा फिल करूंगा और सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट करने के तुरंत बाद ही हमारा जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा है, सेशन देखिएगा 2023-24 ओपन हो चुका है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, कॉलेज का नाम आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, धर्म आ रहा है, यहाँ पे नाम आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है और रजिस्ट्रेशन डेट आ रही है। इसका हम यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे और प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर से हम आएंगे यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी फिर से बैक आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें फिर से आना होगा स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर और सेकंड नंबर पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेश लॉगिन। यहाँ पर आपको वही चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जो चार ऑप्शन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। आप लोगों को बता दूं जो यहाँ पर चार ऑप्शन आ रहे हैं, प्री मैट्रिक, प्री मैट्रिक का मतलब होता है 9th और 10th, और यहाँ पर इंटरमीडिएट का मतलब होता है फर्स्ट ईयर इंटर, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इसमें यूजी पीजी टेक्निकल डिप्लोमा मेडिकल डिप्लोमा सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर अदर स्टेट के सारे यूजी पीजी टेक्निकल डिप्लोमा के स्टूडेंट आते हैं। बाकी आप लोगों को बता दें जो लॉगिन करने का प्रोसेस है वो यहाँ पर, चाहे आप लोग जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, माइनॉरिटी से हो, सारे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर एक ही लिंक से है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वी आर सॉरी लिखकर आ जाएगा या फिर वेबसाइट आपको एरर दिखा देगी। तो आप लोगों को बता दें जो 9th और 10th का जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट हुए हैं, इसके आगे का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही आपको स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको बारीकी से वीडियो में लेकर आऊंगा, तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अभी केवल रजिस्ट्रेशन ही हो रहे हैं। आगे की वीडियो के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।